Go. And, uh, हसन अली का जो कैच छोड़ा है वो उस hopes थी कि इनका जो था ने तो कैच निकलवाया हसन अली ने वहां से कैच ड्रॉप किया जाहिर कैच होता तो कोई आगे आता कोई चांस बनता बीच में लेकिन कैच छोड़ा लेकिन उसके बाद जो मैथ्यू वेड ने बैटिंग किया तीन छक्के भाई कमाल की कमाल के इंप्रोवाइज करके छक्के मारे Pakistani uh, players like uh, Hasan Ali, especially, I, I can see sort of tears in his eyes. Or uh, Australian, they are jubilant. Obviously, they should be because at the end, probably this was Pakistan's match. This or... is now Australia's World Cup Rizwan Adar sahab, I'm telling you, thank you very well, well played, Hasan Ali sahab. So you go the... photo shoot, kare video banaye, or hizooron dance kare, or wo एक तो हमारी कॉम जो है ना और ये जो बाहर वाले हैं ये जो स्पेशली हमारे दोस्त है ना वो समझते हैं मोहसिन अली जो है वो दुश्मन है वो तो बस कॉम का मुल्क का दुश्मन है सिर्फ वो बाहर ढूंढता है ये ले आप पे बोले मैं शाहिशाह को कुछ नहीं कह सकता ऑल द ग्रेट वर्ल्ड डन शादाब खान छब्बीस रन चार विकटे वह स्पाइक बैडले बाय दिस स्टूबेंट हसन अली एक टके प्लेयर नहीं है पता कुछ नहीं इसको मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं यकीन करें इतना घटिया इतना पथेटिक एटीट्यूड अंडे पकड़ रहा मुंह से बाल क्या हड्डी भेज रहे थे पाकिस्तान की विनिंग टीम का इसने नई जी टीम नहीं छेड़नी नई जी टीम नहीं छेड़नी ना छेड़ना फिर खिलाए इनको और ये टेनिसिया आपको बोला जूरे वाला अभी देखें आपने माजरत के साथ जो अफगानिस्तान इंडिया के छोड़ के न्यूजीलैंड को भी छोड़ के अफगानिस्तान स्कॉटलैंड नवीबिया भाई जान आपका टाकरा ही अभी मैच पे पड़ा था सही है देखिए आज के दिन ये खत्म हो जाना था कि जनाब विन दस विन द मैच विन द टॉस विन द मैच इतना अच्छा और मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म का ये इंसान है क्या ये भला है हमारे मत्थे है? चार रन आउट आपने छोड़ दिए वार्नर यू वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट के वो तो बाहर चला, चला गया, गया। हालांकि वो आउट नहीं था ले लेता भाई रिव्यू और वो लोग जो यहाँ पे टूट टूट कर रहे थे फिक्स है फिक्स है जय शर्म से डूब मरे अब. नजर आया आपको तो फिक्स है या हमने अपने ऊपर ही फिक्स कर लिया बेशरम एब्सोलूटली जी और uh... बीच में रन आउट भी तीन चार ऐसी दफा जो डायरेक्ट हिट लगती है और आ, स्टोनेस को भी इसी तरह वो का, भी लगता, वो भी आउट था, का भी एक दो, दो तीन बीच में हुए। और अगर बात करें, हसन अली की विद द बॉल ही वाज बिलो एवरेज विद ही वॉज बिलो एवरेज और यार कैश तो पकड़ लो नो बॉल आज भी फेंक रहा है उस पर नो बॉल पे चलो नहीं कोई लगा लेकिन नो बॉलिंग भी करवा रहा है और बॉलिंग भी मतलब समझ आई ये रात के बाद एक आपने बात कर दी मैंने वही लिख दिया था कैच नहीं मैच ड्रॉप हुआ आपने कहा नहीं नजर आया फिर मैच ड्रॉप हुआ नहीं हसन अली का वो जो कैच अभी निकाला है शाह जी बॉलर भी डिमोराइज हो जाता है कि जब वो इतनी टफ सिचुए प्रेशर सूर्त में उसने कैच निकलवाया है तो अब हसन अली का काम है वहां पे चलो यार खुद से तो तू नहीं कुछ कर रहा आउट तो जो करने की कोशिश कर रहा है उसका कैच तो पकड़ ले वो लॉस है यार ये सारा शाइा को नहीं कर सकते कुछ भी भाई उसने अपना काम कर दिया था ये छिक्के लग रहे हैं तो लगेंगे छिक्के बादल कोई छिक्के लगते हैं लेकिन ला, क्या किस्म किस किस्म का घटिया तरीन ये प्लेयर है खिला इसको खिलाए इसको खिला ले आप इसको

थिंग है? है। <laughs> तो <laughs> हाँ ये जरूर होगा कि मज़े लेने वाले यहाँ से भी बहुत है फिर ये मत समझे यहाँ वाले खमोश हम भी फिर खमोश हो जाएंगे ऑबियसली जब आप हमारा जख्मों पर मरम की जगह तेल डालेंगे उसमें नमक डालेंगे तो मिर्च डालेंगे मसाले डालेंगे वी कान स्टॉप अवर पीपल ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही अच्छा खेला ठीक है वो हालांकि उसका ही फॉल्ट था वार्नर का वो नहीं उसने लिया रिव्यू रिव्यू था वो हमने देखा उसका एज नहीं लगा हुआ था बाद में लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन यही लगा जी टक की आवाज आई है खैर वो चला गया बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पर पाकिस्तान को मिल गया उसको बाद में कैपिटलाइज नहीं कर पाए और ऑल द क्रेडिट गोज टू द स्टोनिस एंड मैथ्यू वेड जिस तरह उन्होंने मैच हमारे बिल्कुल ग्रिफ्त से निकाल के वो ले गए मैच और uh, चले आप, आप आप मजे करें करें अब अब इस तरह एक आर्टिफिशियल ट्रॉफी बनाए अपने अपने कैबिनेट में रख लें सारे <laughs> तो बहुत अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का ये मैच था आखिरी पांच छह ओवरों में वही जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने आखिरी चार पांच ओवरों में मैच अपने गिरफ्त में कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे कर लिया और बॉलिंग खासतौर पे हसन अली जो है ना उसने बहुत ही डिसअप पूरे टूर्नामेंट में उसने बहुत डिसअपॉइंट किया नो बॉल भी करवा रहा है उसको गेंद की भी समझ नहीं आ पा रही और फील्डिंग भी वो जीबो गरीब कर रहा है नो बॉलों पे उसका कंट्रोल नहीं है देखें ये टीम गेम है एक आधा भी ऐसा कोई हल्का खिलाड़ी बीच में होना वो सबको ले डूबता है बार बार आपसे कहा था मुश्ताक अहमद का भाई वहां मौजूद है आपको मैंने बताया मेरे पास कई एविडेंसी है ये लोग मैस चले करे जो मर्जी करे ये लोग नहीं आएंगे इतनी इतनी दाढ़ी राखे में शर्म नहीं आती है क्या कारनामे करते हैं दिल तो जारा फुरदा है और क्योंकि मैच देखो एक तो हमारे बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया मैं सिर्फ टोटल डाल दिया था बोर्ड पे बैट्समैनों से इतना नहीं है कोई बॉलर आज तो नहीं कह सकता उसे डिफेंड करने के लिए एक सौ छह बहुत स्कोर बन गया भाई बहुत स्कोर बन गया हालांकि फिर भी आठ दस, दस जिस तरह वो खेल रहे थे एक ओवर पहले उन्होंने फिनिश कर दिया और आ, आ, बॉलिंग हमसे डिफेंड हो ही नहीं पाया शादाब की जितनी तारीफ करें उतना कम है उसने मिचिल जैसे इनफॉर्म बैट्समैन का ऊपर कैच निकलवाया उसने स्टीव स्मिथ जो कि तगड़ा बैट्समैन है उसका ऊपर एच नहीं करवाया उसने मैक्सवेल का जितना डेंजरस बैट्समैन है उसको वार्नर चलो अपनी उसका तो, में, तो, का, तो खाते में। का आज दिल नहीं, तो नहीं तो शादाब खान ने तोड़ दी बट कोई और बंदा उसको हेल्पिंग हैंड दे नहीं पाया हमारी बॉलिंग में हफीज को ओवर दिया चलो उसने भी वो जीबो गरीब पहली गेंद डाल दी इमाद का अगला जो तीसरा ओवर था अच्छा कम उसने किया लेकिन हसन अली इज द मेन दल्परेट नॉट ओनली विद द बॉल बट ऑल्सो इन द फील्डिंग वो जो कैच वहां से पकड़ा जाता तो बहुत बेहतरीन हो जाता तो मोहसन भाई अब ये आ, अगर हम देखें कि क्या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग तो बैट्समैनों पे तो आप नहीं बात कर सकते नथिंग वेंट यू लिव पास्ट भाई आपको मैंने बड़ी दफा कहा था इस हसन अली को वो दो मैच दे नहीं जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है तो नहीं है जरूरत आज अगर रिजवान मुझे ये बताएं ईमानदारी से आप अगर वो ना ठीक होता जिस तरह वो रात अस्पताल में रहा हैं बीमार रहे, रहे वो तो फाइटर है रिजवान की बात कर रहा हूं मैं आपकी ओपनिंग कौन करता देखे बाबर आजम नॉट प्ले, बैड प्लेड ही प्लेड वेल है ए बंदा अब हर चीज में कीड़े नहीं मैं निकाल सकता ना फखर जमान यस एट द एंड ठीक हो गया दस पंद्रह नीचे भी होते ही लोगों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू आप लोग पैदा नहीं हुए थे ना तो मोहसिन अली फील्ड में था मेरी बातें चुपती है बुरी लगती है व, व, वक्ती तौर पर आपको गुस्सा आता है लेकिन वो देखे सही हो जाए आप ये देखे रिजवान साहब जिस टीम में सिर्फ एक बॉलर हो माजरत के साथ अगर तो आप मुझे कहे ना शदाब को वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में था तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा हुँ. ना कोई मानेगा एक बॉलर था आपके पास जिसका नाम था शाहीन शाह अफरीदी यस शदाब बोल्ड आउट ऑफ स्किन एंटायर टूर्नामेंट एंटायर टूर्नामेंट ही वॉज फेमल ही वॉज वर्ल्ड क्लास आज भी उसने साबित भाई वार्नर ने नहीं लिया रिव्यू तो हमारा कसूर नहीं है hmm. आउट इज ऑलवेज आउट चार हमने रनआउट छोड़े कैच हमने छोड़े नौ बाले हमने की वो हमारे खाते में आएंगी मदद के साथ दिस टीम सबसे पहले जो आप मुझसे पूछे ना वन वर्ड तो ये जो ये जो नासूर है जो टीम के इर्द गिर्द है ये जो मुख्तलिफ हुलियों में है सबसे पहले इनके बैंक अकाउंट चेक करे इसके भाई को आगे पीछे रिजवान मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आपकी क्रिकेट बुरी नहीं है आपकी क्रिकेट में दम है जिससे आज भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आपने ऑलमोस्ट नाको चने चुपवा दिए थे ये तो देखे कुछ लोग जो होते हैं ये मोहम्मद आमिर आज बातें करता है खेला कितना है सवा साल टोटल सवा साल की क्रिकेट में इतने बड़े बड़ी, -बड़ी कोठियां इतने बैंक बैलेंस कैसे बनाए पढ़ा लिखा ये नहीं जॉब इसके बाद नहीं बिजनेस इसका नहीं जायदाद इसकी नहीं कैसे तो भाई जान ढूंढे ना इन चीजों को हम पागल है जो आपको बार बार बताते हैं हसन अली हारिस रूफ ये भाईजान आपको और वो जो आपने चुटिया वाली सरकार रखी हुई है देखे चुटिया वाली सरकार किसी किसी मैच में चलेगी हर मैच दो रिजवान अगर मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं जो है ना टीम वेरी वेल आज बैट्समैन को जो कुछ कहेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा होगा भाई 10-15 रन ऊपर हुए नीचे हुए डजेंट मैटर 176 रन आउट कर दिया क्या किया था कुछ भी नहीं कैच कैच पकड़ लगे छुट्टी हो गई थी कैच निकलवा दिया जी बिल्कुल जी उन्नीसवी ओवर में कल न्यूजीलैंड में लोग कितने असुदा मोर देन थर्टी थाउजेंड पीपल आराम कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमने

बॉलर भी देखो मैथ्यू बेड वो क्या बता रहे थे कमेंट्री में 138 40 अड़तीस एक की स्पीड पे गेंद आए तो पसंद है वो देखती वो एक कम्प्रोमाइज करके उसने पीछे फिर एक और उधर फेंका तो छुट्टी जी हाथ मिलाओ तो घर जाओ तो वही इतने क्रुशल मैच में एक एक जो छोटी छोटा जो एलिमेंट है वो काउंट करता है और वो देखें वो कैच एक तो उसपे दुखी बचती और मैथ्यू वेड जैसा एस्टैब्लिशड बैट्समैन बाहर जाता मैथ्यू वेड के बाद कम इन जाता तो कहीं ना कहीं रोटेट होती स्ट्राइक स्टोनिस का ठीक है हाथ में जाती डबल के चक्कर में सिंगल होता रन आउट का चांस निकलता कुछ भी होता चांस निकलता था वहां पे वो कैच जो छोड़ा है हसन अली ने बस मैच ही छोड़ दिया और अब बाबर बात कर रहा है मैच हारने के बाद उसके फेस से अंदाजा है नजर आ रहा है अफसोर्दगी है सैडनेस है और पर द मैच मैच नहीं बड़ा देखें अब, अब कल मैच हुआ न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का इतने लोगों ने ग्राउंड भी खाली खाली पाकिस्तान बत्तीस लोग हैं यार बेचारे आए थे हमें स्पोर्ट करने बल्ले बल्ले करने ड्रम डांस देखने देखे पाकिस्तान टीम की अगर बात करें आई एम वेरी वेरी हैप्पी लेकिन जो देखें ये जो नासूर है ये जो मसूर है इनसे जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे हम इसी तरह हारते रहेंगे मैं आपको बता रहा हूं हम इसी तरह हारेंगे वन और टू थ्री और फोर ओवर हसन अली ने यह कैच अगर कोई मुंह से भी पकड़ता ना रिजवान वो मुंह से भी पकड़ लेता ये कोई इतना मुश्किल कैच नहीं था देखो आसिफ ने अच्छा कैच पकड़ा कमेंटेटर तारीफ कर रहे थे यहां पे वो जो ऐसी लाइटिंग ऐसी लगी हुई है इट बिकम्स डिफिकल्ट और साथ में फिर फखर ने अच्छे कैच पकड़े जितने भी कैच ऊपर गए दिस मोमेंट जो बहुत ही क्रुशियल फेज था गेम का और वहां पे अभी भी देखो जब वो कैच छूटा तो 20 स्कोर चाहिए थे 10 गेंदों पे 20 अगर वो कैच हो जाता तो 9 गेंदों पे 20 तो नया बैट्समैन आता तो काफी ट्रिकी सूरत हो सकती थी इट कुटिल इट कु वो जो कैच है उसने तो पूरा सत्यानाश कर दिया कैच भी गया मैच भी गया अभी जब बाहर आ रहे थे तो कैमरा लगा हसन अली के फेस पे तो इट वॉज एविडेंट की आंखों से मतलब आंसू वगैरह निकले हुए लेकिन अब क्या हो सकता है इस वक्त तो तो ट्विटर पे ना मेरा मजाक उड़ाने की या मेरे कौन की मेरे मुल्क की उड़ाने की कोशिश ना इस करें आई विल अवे ब्लॉक यू मैं गाली माली नहीं दूंगा मैं ब्लॉक कर दूंगा नहीं है तो ये और तो ये, तो ये तो ना करना क्योंकि देखिए मुझे इस वक्त दो लोगों पर गुस्सा बाकी मुझे टीम से कोई शिकायत नहीं और ये जो देखे सिक्योरिटी के जो जाते हैं सारी टीमों के साथ ये उनका काम होता है चीजों पर नजर रखे बार बार मैं आपको एरियाज बता रहा हूं उन पर नजर रखे बहरअल जी जाहिर है मजाक उड़ाने की तो कोई जरूरत नहीं है हार जीत होती रहती है खेला अच्छा पाकिस्तान इस पूरे वर्ल्ड कप में अंटिल दिस थ्री फोर लास्ट ओवर्स और उसमें गेंद uh, भी सही जगह नहीं गिर पा रहा था फील्डिंग भी बीच में डायरेक्ट uh, हीटे में नहीं लगी एनी हो बैट्समैन उन्होंने अपना काम किया और शादाब ही वॉज टू गुड राशिद खान ने ट्वीट किया शादाब को और बाकी भी बेताजा लोगों ने अप्रिशिएट किया देखें जी चार बड़ी विकटें उनकी बैकबोन हर ओवर में उसने विकेट लिया हर ओवर में पहले ओवर में आया उसने मिचल को आउट किया फिर आया उसने उसको आउट किया क्या नाम है स्मिथ को आउट किया तीसरे ओवर में आया उसने मैक्सवेल को आउट किया चौथे ओवर में विकेट तो काउंट ही होगा ना वॉर्नर चलो उसका आज शायद मूड नहीं था तो उसको आउट किया चार ओवरों में चार क्रूशल विकटें उसने हासिल किए तो उसकी भी मेहनत पे पानी फिर गया ऐसा बहुत ही कम हमने देखा मोहसन भाई कि कोई चार विकटे वो ले जाए वो भी उनकी मेन खिलाड़ी एक बॉलर ही ले जाए और फिर भी आप एक करवा दे भाई जान तो आप, तो आप, आप, आप से बॉलिंग करवाए ना आप आपसे मैंने बोला था कि आखिर में ये फंस जाएंगे किससे ओवर करवाएंगे अभी फंस रहा है लेकिन वो बहुत मारेगा वेट का पता है हमें ओवर देखा है कि वो जब मारने पे आता है बहुत मारता है तो भाई लगे रहे हैं। बड़ा अच्छा कप्तान है, 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 है रहे तो उस दिन चाहिए होता है अब जी मैथ्यू वेड की बात किया मोसन भाई ने और मैथ्यू वेड जो है वो बिग बैश लीग में आपको पता है कि वहां पे कप्तानी भी करता है और सीजन uh, खिलाड़ी है उनका और आज उसने दिखाया कि ऐसी वो आ, उस ऐसी नहीं टीम में हुआ है उसका भी कोई रोल है और बहुत ही कमाल की तगड़ी हिटिंग किया उसने जाहिर है एज अ पाकिस्तानी तो अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन कूल एंड काम इवन स्टोनिस देखें जैसे बिल्कुल एक बंदा सुकून में होता है कोई पैनिक नहीं चेहरे पे स्माइल और यार ये इसको जानते हैं आप कौन है कोई छोड़ो यार उधर बात करें लोग इतने आपके साथ अब आप मोबाइल से निकल आए तो आ, बड़े अच्छे और आराम से और सुकून से उन्होंने चेस किया चेहरे पे बिल्कुल भी कोई उनके अः नहीं थे टेंशन के मजे से चेस किया यार उन्होंने मैथ्यू वेड की भी हिटिंग और uh, स्टोनिस वी हैव सीन हिम डूइंग दिस इन आईपीएल टू कॉम एंड कूल लाइक क्यूकम्बर बहुत अच्छे और तगड़े तरीके से उन्होंने चेस किया और uh, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप में ओवरऑल भाई जान जो सो हुआ सो हुआ तो अब कैसी रही कंपेन आपकी वर्ल्ड में ठीक थी कंपेन वाज़ नॉट बैड यू हैड अ वेरी वेरी इजी पूल आई एम सॉरी नहीं मानते ना माने मैं कोई किसी को यहां मनवाने तीन टीमें थी एक ने आगे जाना था दो में से हाँ जी। आप थे इंडिया थे न्यूजीलैंड थे यू आर वेरी वेरी लकी कि आप जनाब इंडिया को आपने दस विकेटों से हराया न्यूजीलैंड को आपने फंस के हराया अफगानिस्तान को आपने फर्स्ट एयर आया स्कॉटलैंड नवीबिया को आपने स्ट्रीम रोल कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपके हीरो आए इनसे डांस करवाएं, दस दस रुपए की इनके पे वेले करवाएं सौ रुपए की इनको वेले करवाएं दो रुपए इनको वो नचवाएं ये वो है जो नाचने वाले हैं क्रिकेट इनके बस का नहीं है भाईजन बार बार आपसे बोला रिजवान हैदर तो साहब इमोशंस के साथ आप नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं तो जाए जायोशन के साथ इन्होंने ये वाई टीम दी जिन्होंने अपनी दिखानी थी नवाज को, को रोडें उस्मान कादिर आपका पूरा लेग स्पिनर था समझ आई आज आपको वो सैंपल ने चार ओवर बाईस रन एक विकेट आपका शदाब वही शदाब जो बिल्कुल नहीं चल रहा था चार ओवर छब्बीस रन चार विकटें अगर आपके पास एक पूरा बॉलर होता नहीं लेकिन आपने तो हीरो गिरी करनी है आपने तो हीरो गिरी के जाना है बॉलर क्या करने आपका इशारा हसन अली मतलब जो वो जो बॉर्डर पे पर जाकर यार मेरा इशारा नहीं मैं सीधी बात करता हूं मैं इशारे नहीं देता हाँ। मैं कोई लड़की फसा रहा हूँ कि कर इशारे करूंगा उसके साथ भाई मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं अ स्पोर्ट्स मैन मार्स फोकस ऑन स्पोर्ट्स कौन सा प्लेयर ऐसा आज तक पाकिस्तान में मुझे बता दे जो क्रिकेट के अलावा ही देखें जब आप आउटसाइड एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे फिल्में बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं डांस कर रहे हैं नाच रहे हैं भाई आप कोई डांसर है हुँ. नहीं आप है आपको नरगिस आपके मतलब है स्टेट ड्रामा हो रहा है अच्छा पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया नो बॉल हर मैच में उस पर भी काम होता हुआ नजर नहीं आया भाईजन मेरी बात सुने रिजवान साहब फॉर गॉड से अगर आप कहेंगे फिलेंडर ने काम नहीं किया तो भाईजन एडियन ने नहीं कहा खुद क्यों नहीं कहा मैं यही पे आने लगाऊ ना ने करनी है बॉल के मैंने या जाके कोच ने करनी है बॉलवा भाई इसमें नजर आया काफी हमारी टीम अच्छी थी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग यू नीड टू गेट रिड ऑफ लोकल वंस हु आर पॉइजन टू दिस नेशन टू दिस टीम

चार खिलाड़ी बड़े हंसी की याद आ गई होगी आपको वेट की देख के से भूल गई थी भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं भूल तो नहीं की थी आज देखो बहुत ही गोल्डन चांस था कि ये भी हम अपनी बैक से मंकी उठा के उतार के फेंक देते ऑस्ट्रेलिया को कभी नॉकआउट में हराया नहीं दे वर क्लोज टू डू इट बट देखो सर क्लोज डजंट मैटर रिजवान आई डोंट बिलीव इन दिस क्लोज ब्लोस आई ऑलवेज टोल्ड यू लैंड में पहुंच के रुक जाना इट इज नॉट विक्ट्री क्रॉस द लाइन आपने प्लेट में सजा के मैच उनको पेश किया है माने ना माने आपकी मैच हसन अली वाज नेवर इन द मैच hmm. नेवर इन द मैच ही वाज नॉट और वो हारिस रेउ देखे आप लोग समझते नहीं है बाई hmm. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली स्पीड थ्रिल्स नहीं मोसन तो दुश्मन है मोहसिन तो अगेंस्ट है मोहसिन तो फलाना है अल्लाह पे यकीन करें रिजवान मैंने सिर्फ इसलिए प्रोडिक्शन आज हाँ रोक ली मैंने कहा यार लोग कहेंगे कि ये एंटी है और भाई मेरी बात सुने अगर आप सच बोलते हैं तो वो एंटी होता है हाँ, सही बात है जी जी अब बहरहाल जी ऑस्ट्रेलिया की भी जितनी तारीफ करें उतना कम है दे आर अ चैंपियन टीम एंड दे नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर जिस तरह एंड पे स्टोनिस खड़ा रहा और एंड पे मैथ्यू वेड को ऑब्वियसली मिला मैन ऑफ द मैच सत्रह गेंदों पे फोर्टी वन कमाल की हिटिंग किया उसने लेकिन जिस तरह उसका साथ निभाया उसने भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी किया और ऐसे लग रहा था जैसे मसला ही नहीं ये ए, अगर पांच ओवरों में बासठ पैंसठ जाइए सत्तर जाइए कोई इशू नहीं है कर लेंगे आराम से कर लेंगे इतनी कामनेस है और आ, अमेजिंग किस्म की सर, कामनेस होगी ना उन्हें रिजवान समझे आपको मैंने जब मैच शुरू होने लगा था मैंने आपसे पूछा था आपने कौन से बॉलर को टारगेट करना है वो वही था कि पांचवें पा, उन पांचों यानी पांचवा और छेवा और मैक्सवेल इन दोनों ने मिलकर कितने रन दिए भाईजन मेरा ख्याल है कोई को पैंतीस पैंतीस तो भाईजन चौबीस बॉलों में पैंतीस यू तो मेन बॉलर हमारे हसन को उन्होंने ऐसे मारा थोटी फोर रन भी दिए और नौ बाले भी की और माशाल्लाह हवा में नहीं जब हम किसी को सिखा रहे होते हैं देखें तो जब सीखते हुए टैच पकड़ रहे थे मसूफ देखें जी जब आप जीत रहे होते हैं ना तो काफी खामियों पे पर्दा पड़ जाता है आप हमने पहले भी यह बात की थी कि हसन अली की जो फॉर्म है वो कंसर्न है विद द बॉल पहले मैच से यही चलता आ रहा है इंडिया खिलाफ ठीक है उसने यादव की विकेट ली लेकिन उसमें भी वो नो रहा। हर जगह करता भागने एक दो एक दो एक एक, से उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई वो कितना कॉन्फिडेंट है ये पहली गेंद से ऐसा लगा जैसे अंडर प्रेशर है और थका थका सा डरा डरा सा और कोई इसको समझ नहीं है और उसको रंस भी उन्होंने भी उसी को टारगेट किया ठीक ठाक हालांकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था ये हमारा मेन बंदा था इसने बॉलिंग से बहुत ज्यादा बारह विकेट ले गया था और यहाँ पे भी बाबर से यह सवाल हुआ इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ, हसन अली की फॉर्म को लेके लेकर क्या उसको तब्दील कर सकते हैं तो हसन अली ने भी वही जवाब दिया बाबर ने सॉरी बाबर ने भी वही जवाब दिया जैसे कोहली ने डिफेंड किया था पांड्या को कि पांड्या जैसा बैट्समैन ओवरनाइट नहीं आ जाता जो नंबर छह पे बैटिंग करता है तो उन्होंने कहा कि, कि ये हमारा मैच विनर है दो तीन मैचेस में बेशक पाकिस्तान जीत रहा था इसका रोल ना होने के बराबर था और वो मैच विनर आज जो क्लेम कर रहे थे बाबर आजम वो मैच विनर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए साबित हो गया विद द बॉल भी और वहां पे क्रुशियल मोमेंट पे वो जो कैच छोड़ना ओ हो हो वो क्या चल रहा है बड़ा स्कोर रिजवान हیدر किसी गली मोहल्ले की टीम को दे देना शायद वो भी डिफेंड कर जाते आज और आज कितनी ड्यू बढ़ रही थी आपस की बात है कितनी ड्यू नहीं।, नहीं पड़ी इतनी ड्यू नहीं, नहीं पड़ी आज आज कोई बहाना नहीं चलेगा कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी हसन अली को कुकड़ बना के ना इससे पूछे बता बे तूने क्या किया तो हसन अली इज द मेन कल्प्रिट और आज अब खैर क्या उस पर बात करें यार लोगों के मैसेजेस इतनी देर से रुके हुए मैसेजेस अब लेते हैं ऑलमोस्ट फोर्टी थाउजेंड के पीपल आर विद थैंक यू वेरी मच एक मरतबा फिर दिल से आप लोगों का शुक्रिया आपने पूरा मैच पूरा टूर्नामेंट हमें इंडिया के बाद सपोर्ट किया दुनिया भर से बात कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं हमारी जबान सुनी है समझी जाती है, है, है। बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान से भी मैसेजेस आ रहे थे वर्ल्ड वाइल्ड अमेरिका यूरोप से आ रहे थे कैनेडा से आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हर जगह से आ रहे थे वी आर वेरी थैंकफुल मैं माफी मांगता हूं हसन अली और रऊफ की तरफ से इन्होंने पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम को बल्कि एंड एंड जो आंसू आगे निकला है बेशरम मनप्रीत सिंह जी ओ, ओ माय गॉड पाजी मेरा दिल टूट गया जी पता चल गया सो सात लिया बिल्कुल हसन अली मैन ऑफ द मैच है आज मैन ऑफ द मैच उनकी तरफ से

जाऊंगा आज रोजा रख के यार यार आप क्या यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं जी सर पाकिस्तान टीम प्लेड ऑसम बस दुख ये आउट ऑफ दैथ्यू वेड ऑफ बॉक्स अभिषेक कुमार ये खतरनाक प्लेयर है सर मैच फिक्स था लेकिन वेड ने फिक्स को तोड़ दिया और पंद्रह ओवर में खत्म हो जाए ये बात है जी कोई फिक्स फिक्स नहीं हसन अली के रहता है। इतना बुरा लगता था इंजमाम पे कहना जाए उसने नाक में उंगली घुसाई होती थी तो ये जगदीप सिंह साहब अब नहीं आएगा तनवीर अब वो कहीं रजाई में छुपा हुआ होगा अब ये चलो यार थूके भैंक रहा था गेंद तो चंगी सूट देता यार थूका भी सूटता गेंद भी चंगी सूटता

मैंने टीम को कुछ कहा हां जी शराफत से देखे बहुत ही खुश हैं जैसे कि वो जीत गए चलो जी मुबारक हो आपको जी वेल डन जी बाबर एंड कंप्लीट टूर्नामेंट टू रिमेंबर जी अच्छा खेले यार ओवरऑल आकाश जी मौजूद हैं उमेश बोराई कर जी रिजवान में मौसम में यस्टरडे आई टोल्ड यू ऑस्ट्रेलिया इज मेंटली टफ यार इट वाज नॉट अबाउट मेंटल टफनेस इट वाज अबाउट शीयर बैड लक एंड वर्स काइंड ऑफ डिस्प्ले बाय हसन अली साहब वन ऑस्ट्रेलिया के भी यहाँ से गुजरा है ये तो आपको भी पता है वो ठीक है जो भी छक्के पड़े ऊपर नीचे से कैच छूटा बॉलर जो है डिमोरलाइज हुआ

पाकिस्तान को मैच था, था, था। आप बकवास कर रहे हैं जुबैर खान और आप, आ, वेट की इनिंग जी, जी, आ आ हमारे लिए इन्होंने रखी होती है स्पेशल इनिंग्स अभिषेक राज जो न्यूजीलैंड बना हुआ है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया ही है हमारे मतलब आमने ये जब भाई मुझे इसीलिए हमारे अफ्रीका के साथ आ जाए दोनिया दो no में नो बॉल नो बॉल पे यार जो मतलब इतनी नो no बॉल है ना इसको बोल तू छह महीने के लिए आउट है तू सिर्फ ये प्रैक्टिस कर तेरा पैर जो है ना वो नो no बॉल की आगे लाइन से आगे गया तो समझ के आगे वाली उंगली कट जाएगी इतने डर से करवानी है अजीब यार ये नो बॉलों पर नो बॉल अंबर के

पाकिस्तान पांच आउट कर गया था और काफी मैच में बना हुआ था ये इन दोनों पेयर में से किसी एक ही विकेट लेनी थी टेल अंडर ने आ जाना था बीच में बट वी डू दिस यार विकेट आप ले गए थे बीस रन रहते थे, टूट uh, uh, गया लाइक दिस बिफोर स्टे काम सर 2016 वर्ल्ड कप सेम फीलिंग थी जी हमारे लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक्सपेरियस यार देखे मैं मेरी बात सुने ट्राई टू अंडरस्टैंड जब चीजों का हमें पता होता है वो हो रही होती है ना

शाहन शाह का ही बनता था कि वो जितने रन बचा के दे दे और उसने काम कर दिया था विकेट वो ले गया था अब आप ना कैच पकड़े तो वो क्या करें एक तो ओवर में हसन अली साहब ने पंद्रह स्कोर दे के गए फिर उन्नीसवें ओवर में उन्होंने कैच छोड़ दिया एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट आपने बिल्कुल सही बोला कल का जो मैच हुआ है उसमें क्या हुआ है इंग्लैंड के साथ देवर ऑन टॉप आखिरी तीन ओवरों में चार ओवरों में उन्होंने इतनी मार्ग जॉर्डन हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है डेथ में बॉलिंग उसकी बड़े योर कर लिए वो पच्चीस स्कोर वो दे गया आज दे किस तरह हो रहे हैं लोग नहीं, नहीं बुरी फीलिंग आती है ओवरऑल अच्छा मैच हुआ तगड़ा मैच हुआ और आ, दोनों देखें मैच ऐसा है कि आपको एंड तक जाए ठीक है स्कोर बोर्ड देखें तो आपको लगता है जी उन्नीसवें ओवर में मैच खत्म हो गया ये तो बड़ा आसानी से जीता होगा बट दिस इज नॉट द केस कभी इधर कभी इधर कभी इस प्रल जा रहा है कभी उस पर्डे में जा रहा है बीच में विकेट आ रही है दो छक्के लग रहे हैं फिर हो रहा है

और भी मंजिलें हैं तय करनी है ठीक है नहीं हो पाया लेकिन अभी आप अगर करें इंडिया जैसी बड़ी टीम को आज रहे हैं तो हम खुश ना रहे हैं hmm. तो, जी इट वाज हार्ट ब्रेकिंग सर आई एम एट वर्क बट होल कंसंट्रेशन वाज ऑन द मैच इवन दो माय ब्रेन वाज सेइंग ऑस्ट्रेलिया बट हार्ड माय हार्ट सेइंग पाकिस्तान देखिए मैं आपको दिल की फीलिंग बताऊं कि जब तक वार्नर था तो मुझे लगा कि मुश्किल बचेगा मैच वार्नर आउट हुआ जिस पॉइंट पे तो काफी ज्यादा होप्स ऊपर आ गई हालांकि वो अपनी गलती से ही बाहर गया और बीच में वहां से पाकिस्तान ने नहीं अच्छा खेला बिल्कुल नहीं अच्छा खेला पांच आउट हो गए थे अभी साठ पैंसठ रन चाहिए थे वहां से इनको मैच बचाना चाहिए था रयाल करेंडियन आई एम फीलिंग टीम रिस्पेक्ट दिल से फॉर ऑल द प्लेयर्स प्लीज काम डाउन जी ठीक है जी सिंह कैलिफोर्निया बस शिवम शर्मा कह रहे हैं जी ठीक जी। है जी आप खुश हमारे लिए यही बड़ी बात है आप खुश रहे अरुण बोस कह रहे जी आज कोई नहीं बोलेगा जी पाकिस्तान में यह मैच फिक्स था जी उस दिन यार बोला कि वो फजूल है जाहिर लोग हैं उन्होंने जाहिर बातें की हुई है अब आप भी बोल के हिसाब बराबर कर दें दूडर इंडियन है Uh, अच्छा, उट uh, शादाब को छोड़ के शाहीन को चलो ठीक है ऊपर से उसने अच्छी बॉलिंग कराई थी रणवीत सिंह सोडिया जी थैंक uh, यू पुनीत अरोड़ा क्या जी दिल पाजी टूट गया जी ऑजी में टेलिटी बहुत हैवी है जी उन्होंने हाँ जी वो तगड़े ने जी जोशी साहब कहें वेट प्लेड हसी इनिंग्स दिस वॉज पाकिस्तान ट्रॉफी बेन uh, श्लोक uh, अंकित इंडिया जी वो मुस्कुराते रहे हम हमें हरा के हम खामोशी से निकल गए अब हमारे आंसू खुश्क हो चुके हैं जी ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान जी ठीक है जी सही है जी शुक्रिया राज आई एम सैड एट बॉटम ऑफ माई हार्ट Uh, can see sadness clearly on your faces. Uh, your team was superb throughout. Personally, what have you done? Absolutely, Ji. Team, our team. He had broke the hearts of millions and millions and millions.

देखिए यंग टीम है और जिस तरह के क्राइसिस से ये गई थी वर्ल्ड कप खेलने उस पर मैं बस आपको बार बार क्या उस पर बताना हेड कोच आ, बॉलिंग कोच वो छोड़ जाते हैं डेढ़ महीना पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना था वो नहीं आती इंग्लैंड ने आना था वो नहीं आती हमारी प्रिपरेशन में फर्क पड़ता है और फिर सिलेक्शन में कभी खिलाड़ियों को तीन चार को नहीं पता कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे लास्ट मोमेंट पे उनका नाम आता है तो ये सारे मसले मसाइल के बावजूद हम गए हैं वहां पे खेलने के लिए तो फर्स्ट टाइम बाबर आजम लीड कर रहा था कप्तानी में भी काफी उसमें भी अभी वो सीख रहा है इंडिया को न्यूजीलैंड को ग्रुप में टॉप किया ओवरऑल क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली हर कोई तारीफ कर रहा था कह रहा था दिस इज द टीम टू बीट और दिस द टीम टू बीट अंटिल लाइक लास्ट बीटिली फोर ओवर दे कूडेंट सस्टेन द प्रेशर अदरवाइज दे रियली रियेड ग्रेट जॉब टू बी ऑनेस्ट और थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का और जो क्रिकेट फैन यहाँ पे जनाब दिल से मैथ्यू हेडन का फ्लेंडर का सकलैन मुश्ताक का कोचिंग स्टाफ का रमीज राजा का इवन मोहम्मद वसीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया हार्ड लक बेटर लक नेक्स्ट टाइम

घर की बात ही होती है और देखिए हम आपसे जो बात कर रहे हैं अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान से नहीं खेलती किसी और से खेलती है तो हमारी भी ख्वाहिश होती है यार चलो जीत जाए हमारे नेबर्स हैं रिलेशन क्रिकेट के जिस तरह के भी हैं और आ, पाकिस्तान अब अच्छा परफॉर्म कर रहा था बेताशा लोगों ने मैसेज किया वहां से तो उन तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और

मनीष कुमार गंज हसन अली ओनली कैन डू कॉमेडी जी वाघा बॉर्डर उसके बाद जन्म कुमार गंज वन बैड मैच लाइक इंडिया इन 2019 सेमीफाइनल भाई जन वन बैड मैच से हम बाहर हो गए ना आकाश पटेल कह रहे हैं नो टोंटिंग बट पाकिस्तान नीडेड सम चेंज बट दे इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज़ दे वर सीइंग विन एट द एंड ऑफ द मैचेस इट्स ऑलवेज बीन प्रॉब्लम टू इंडिया एज दे गो

single handedly kept australia in the game till stonis and wade came to the pitch even when all his partners were ran out theek hai wo bahut acha khela lekin matthew wade hi banta tha man of the match and we both ek wicket girne ki baat thi tail shuru ho jani thi it was bahut crucial wahan pe stage thi और uh, मेरे ख्याल में ठीक ही मिला उसको और जो मिला मैं नहीं सही मिला जी रुतुल पटेल का नहीं आई एम इंडियन आई एम बिलीव पाकिस्तान इज द बेस्ट टीम जी ऑफ दिस वर्ल्ड कप देखिए जी बेस्ट तो वही होगा जो वर्ल्ड कप जो उठाएगा संधू यूके वाला कहेंगे मोहसन

बट नो वन ड्रॉप्स कैचेस ऑब्वियसली एब्सोल्युटली ये तो कोई है नहीं कि मैं हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई जानबूझ के नोबल करवाएगा हम बिल्कुल जान के, 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 के कोई कैच के छोड़ेगा ओ भाई जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता लेकिन नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट नहीं इस लेवल आप... पे आप ऐसे कैच नहीं छोड़ सकते ना यार और ऐसी नोबलें नहीं कर सकते आप और एक दफा थोड़ी हुआ

फोर रन आउट जी एग्जैक्ट एग्जैक्ट देखो मैथ्यू वेड ने जो सिंगल निकाला Stonis, आ, 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 नहीं, को लगा, की भागा, तीनों स्टंप्स आ रही है हसन, उसको शाहिन को. यार उधर से मार डायरेक्ट हिट वो लग जाती स्टोनिस अभी बेतहाशा रन रहते थे वो लैंगर का ऐसे उसने चेहरा मुंह में पकड़ लिया कि यार ये डायरेक्ट लग जाती तो काम तमाम था डेरन कॉन आउट ऑफ दर्ल्ड टी सीरीज दो हजार उन्नीस पाकिस्तान प्लेयरऑल अच्छा अगर आप इंडिया है हराते तो आज हमें ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में होते जी आप भी जीते गए और ऑस्ट्रेलिया कल... भाई जान बस ये तो फिर अब होता तो जो होता था तो अब तो जो हो गया सो तो हो गया uh, देव राठौर राठोर कहें दिल छोटा ना कहेंगे पाकिस्तान प्लेयर बहुत शांत हमारा दिल छोटा नहीं हुआ हम मानते हैं कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है लेकिन आज हमारे दो लोगों ने बहुत बुरा खेला देखिए देखिए दिस चांस फॉर पाकिस्तान ये मैच अगर निकाल लेते न्यूजीलैंड को पकड़ लेते इस तरह की कंडीशंस में अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है वर नो, उस तरह की हैं और मिसाइल यहाँ पे बहुत अच्छा था चांस पाकिस्तान के पास वाले जी शाद इतना और खुश करे अगर वो इस तरह की चीजों पर खुश होता है तो और खुश हो मेरा भाई फिक्र ही ना कर तो चलो यार अब जिसको इस चीज में खुशी मिलती है अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते कोई खुश होता है तो फिर होता रहे बंटी गिल कह दो हजार पंद्रह में कैश ड्रॉप किया तो वाटसन को वो फायदा हो गया जी 2019 में कैच ड्रॉप वार्नर हाँ उसका आसिफ अली ने कैच छोड़ दिया था उधर वो फेंडा लगा गया ये कैश ड्रॉप ही हमें ले बैठते हैं जी बिल्कुल बंटी गिल जी आपको एक एक कैच याद है याद है हमें और ये हमें भी नहीं भूले वैसे अन्न जी आप पता चला जी आपको ये ड्यू और टॉस कर ड्यू तो भाईजान आज इतनी हुई नहीं तो फिर भी देखें में भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ा था मेरा भाई आ, करें जी 2006 दो हजार कोहली टी 2021 well. like बाबर के साथ बहुत अच्छा खेला है झंडे बनाए हुए इंडिया और पाकिस्तान के बहुत अच्छे और तगड़े जो है दीप चक्रवर्ती साहब हैं जी हमारे साथ उन्होंने मैसेज किया है थैंक यू सौरभ भरद्वाज फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान एग्जिट From tournament not satisfied from fielding side, they were overconfident after India's march. Oh no, 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 they were not overconfident. Today, our two ballers like in Hassan Ali is the main culprit tonight. abhishek Bel I'm very sad. but I applaud for wonderful display of cricket by Pakistan. I am so proud. Every Pakistani plays. लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान लव फ्रॉम इंडिया थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज का सपोर्ट अवर टीम अच्छा खेला पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेला देखिए मैच से पहले भी आपसे बोला था हार जीत तो खेल का हिस्सा तगड़ी क्रिकेट खेले आखिरी तीन चार ओवर में इन्होंने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और जाहिर मैथ्यू वेड इसीलिए उसको रखा हुआ है नीचे

छब्बीस uh, really ने बहुत तेज खेल के जीत लिया और देख दस गेंदों पे बीस था बार बार वही वही कैच दिखा रहे हसन अली का और वहां पे पहुंच गया बिल्कुल सीधा सा पता नहीं क्यों इतना इतना ऐसे पकड़ा है अजीब अजीब तरीके से कैच और दस गेंदों पे

तो ड्रामे नहीं, 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 तो लगाता है और कहता है जी, दो, उसके, दो उसके अब बताया कि जी इस टीम में कौन से सिफारशी दो उसके और दो उसके फजूल बकवास करता है वो उसकी हमने काफी बीच में सपोर्ट किया लेकिन उसको कोई एहसास नहीं है अजीब सी बेतुक्का और बेहुदा किस्म की ट्वीटें करता है वो जाहिल बंदा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं टीम अच्छा खेली खेलिया ऐसी है। और का भी आपने बीच में नाम लिखा है वो भी मार तो बड़ी सर गई लुटिया डाल रहा है या कोई टूटिया डाल रहा है ऋषि अरोड़ा साहब अर जैसी जिसकी तरबियत होती है जैसी जिसकी जहनियत होती है कौन कर जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसे ही होता है शेयब अख्तर कहता है जी मुझे पीटीवी ने स्टूडियो से निकाला बुजदिल कप्तान है बाबर ऐसा तो होना ही था वो 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 यारी वाले वो जो एक है वो, अब मुसीबत ही है मुसीबत ना जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होता बंदा कि ये आके आप यूट्यूब में बैठ जाए या फिलहाल जर्नलिस्ट कभी ऐसे बिहेव नहीं करेगा इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है विक्रांत भाई उनको देख लिया करें मतलब कौन डांस कर रहा है वो यार ये जो यारी

और बेतहाशा मैसेज आपके आए हैं एक ही एशियन टीम थी उसमें नहीं हम क्वालिफाई कर पाए लेकिन लड़के खेले अच्छा इसमें तो कोई शक नहीं है ग्री वेले डो रेगो साबन जी टफ लक पाकिस्तान 17 ओवर्स शुड हैव बीन बोल्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी हसन अली उसका, उसका एक ओवर तो करवाना ही था ना कहीं ना कहीं उसका जिस तरह का कॉन्फिडेंस ना मुझे लगता है तो वो तो 20 भी खा जाता आखिरी ओवर में

Uh, रिजवान भाई सॉरी no, no, अच्छा तो बात है पंद्रह में कैश ड्रॉप हुआ तो वॉटसन ने फायदा उठाया दो हजार उन्नीस में कैश ड्रॉप हुआ तो वॉर्नर एंड ने फायदा उठाया दो हजार इक्कीस में कैश ड्रॉप हुआ तो वेड ने फायदा उठाया क्या फील्डिंग है जी दिल टोट गया जी आज ये सीखते नहीं है ना

अह रमीज सदर खान और रिजवान साडी अकड़ निकली आह जाहिल यार हम लोग कभी अकडे नहीं थे अल्लाह का शुक्र है आप जाहिल हैं और आपने बहुत पैसे भी खर्च करके आपने सुपर चैट भेजा तो चवल ही मारी अह इपली अह हरि कृष्णा खान जी हार्ट ब्रेक परफॉर्मेंस बाय हसन अली आई थॉट दे मस्ट प्लेड पीएसएल हीरो बॉलर जी धानी मस्ट

बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइज किया उसने यार तो पाकिस्तान की लिए तो अच्छा नहीं था लेकिन देख के द गाइस स्किल्स एंड राजीव लॉस्ट कूल एंड टू बॉल जस्ट शॉर्ट ऑफ द बॉल यार कैच भी छूट गया फिर थोड़ा जाहिर है कि बॉलर आ जाता है अंडर प्रेशर लाइक uh, like पाकिस्तान प्लेड वेल प्लीज डोंट तो ब्लेम हसन जी लव फ्रॉम इंडिया जी ठीक है जी uh shishir kanji sir pakistan has been dominant team played very well it's a learning curve not to have any single loophole catches when matches is proven again uh, yes absolutely this is uh, proved again when the uh, take the catches and when the matches or a crucial moment pay hasan ali couldn't do it uh sir Vagya dubey not taking any uh, negativity

हाय हाय लव यू जी और गुड स्पिरिट में मैच Thank हुआ यू. जी और रतेश तिवारी कहें विक्रांत गुप्ता है बिफोर मैच पाकिस्तान विल लूज ठीक है जी और तो, उन्होंने कह दिया तो वो okay. कह सकते हैं उमेश बुराई कहें मोशन सर प्लीज काम डाउन एंड एनीबॉडी कैन ड्रॉप कैचेस ठीक है भैया काम काम एंड कूल डिवाइन सो जी हारने के बाद शो करना सबसे टफ है हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड हैट्स ऑफ द टीम फॉर आउटस्टैंडिंग शो इन वर्ल्ड कप थैंक यू दही प्रेडिक्शन कहें जी आमिर

एक मैच दूसरा मैच तीसरा मैच यार छठा मैच है वर्ल्ड कप का कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमे नो बॉल नहीं फेंक रहे तो यू नीड टू वर्क ऑन इट बाद में सैड फील करना हो सारा और जाहिर है uh, कैच छूट जाते हैं लेकिन यह कि उसमें भी ज़्यादा-ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो परसेंटेज कम हो जाती है कैट छूटने के भी अंकुश दास जी, आज क्रिकेट जीता जी आसन को नहीं तोन कोई नहीं दे थोड़ी जी, मैच के लिए नहीं बट आप लोगों को सुनने का जी बहुत आता हूं सर जी रोहित सिंगल डिड इन 2019 वर्ल्ड कप

हसन uh, अली और इसने रऊफ ने किया शदाब और शैन वर गुड रमन सिंह कहेंगे पाजी रियली सैड टुडे अपने गर्दा द मुंडे हार गए ने बट दे प्लेड गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट इट वाज जस्ट अ बैड फेज एंड ड्रॉपिंग कैचिंग स्टे ब्लेस ब्रदर्स सर जी एक बैट भेज हीते हुंदा है जेड़ा मरवा देना रमन जी रमन सिंह जी बहुत शुक्रिया आपके मैसेज वरना कौन आ रहे थे बहुत ज्यादा सपोर्ट आई है तो बिल्कुल मुंडे खेड़े चंगा ने खेड़े चंगा ने आज जरा प्रेशर नहीं सस्टेन कर पाए पर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप बहुत कपत क्रिकेट खेडी है मजा आया वेख के अः जे जावन कह प्लेयर की वजह से भी कोई टीम बाहर जाएगी तो बुरा लगता है जी बाल

जय आदित्य प्रसाद साहब जी ठीक है जी उसके अलावा साहब सर इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ भी अगर बैटिंग पहले आती तो ये में पाकिस्तान ना जाता अंडरस्टैंड नो दस मैच वन बाय द बैटिंग सेकंड जी एडवांटेज मिला पाकिस्तान को लेकिन ओवरऑल अच्छा खेला है अब देखो अब आप, आप क्या सिर्फ इसी वजह से न्यूजीलैंड से हार गए 110 किया आपने की पहले आपकी बैटिंग आ गई थी इतनी माड़ी आपकी बैटिंग है बुरा खेले उस दिन तो ये बात है वरना टॉस पे ऐसा नहीं है आज देखो आ, विन आखिरी चार पांच ओवरों में बयासी परसेंट पाकिस्तान को बता रहा था तो अब टॉस पे हंड्रेड परसेंट नहीं था ये मैच आप ये बात से मैं इतफाक नहीं करता आदिल खान है जी आवाज से सबको बुरा लग रहा है जी भाई जी, हार्ट ब्रोकन जी नेपाल से ही हाल है आपके दोस्तों को बोले यार वैसे ही आप खिला यार खिलाई जो है डिनर हम भी रिक्वेस्ट करते हैं भाई जो देख रहा है इन्हें खिला दे प्लीज नमित मिश्रा जी हैं और मिश्रा साहब ने भी मैसेज किया है जी थैंक यू जी अमित पाल सिंह कर जी नो लक विद पाकिस्तान टुडे गुड लक टू द फॉर द नेक्स्ट ईयर थैंक यू वेरी मच जी और सुरेश चौधरी कर जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या अगर तीन या चार मैच होता तो इंडिया जी आ, सारे 100% जीत जाता जी ठीक है जी तीन चार एक वर्ल्ड कप में कैसे मैच होते हैं वैसे पवन रंगताल साहब मौसम भाई वाई ऑशियन टीम्स चौक इन नॉकआउट स्टेज प्लीज एक्सप्लेन डेविड को यार देखें ये सारी बात होती है मेंटल टफनेस की और सबसे बड़ी बात ये होती है व्हेन इट मैटर्स मोस्ट आप पूरा पूल जीत जाए जब आपको ये, ये ना ये बॉल की थी मजाक किया था फीस साहब ने अब इतना चालीस साल का बंदा और ऐसी बॉल करेगा तो फिर आप अंदाजा लगाए

पावर प्रेशर कर दी ब्राइट फ्यूचर है जी आगे पाकिस्तान अच्छा खेला जी रजत शर्मा का बट अंडरडॉग्स पाकिस्तान वर ऑसम थ्रू आउट द टूर्नामेंट वेल प्लेड सर पाकिशन. क्या ऑसम था वैसे माजरत के साथ दो मैच में ऑसम थे अफगानिस्तान स्कॉटलैंड नबीबिया से भी अगर हम मौसम थे तो फिर अल्लाह ही हाँ। आफत हसन ने स्टोनिस को रन नहीं दिया जी uh, चीटिंग करके यार तो ये क्या चीटिंग थी आ गया वो बीच में सुमित द्विवेदी कर इंडिया के बाहर निकलने के बाद आज दूसरी बार जी आपका दिल खुश हो जी बाबर पाकिस्तान टीम को आउट देखकर जी

आ, का ये इस्लाम का हार नहीं है वो तो उसने स्टूपिड स्टेटमेंट दी थी हमने तब भी उसको कंडम किया था हमारे जो मिनिस्टर है कि जाहिनों वाली बात कर रहा है वो कैसा नहीं आ, खेल में इसमें कैसे रिलीजन कैसे आ गया अभिषेक बल्कर आई एम लॉस पाकिस्तान लॉस ब्रेक 1.3 बिलियन हार्ट्स जो है मोर देन 1.3 बिलियन जी तकरीबन 1.5 बिलियन मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉरमेंस वर्ल्ड कप ऑन ड्रॉप कैच इन और

This time had one of the best opportunities to win the World Cup. True. So, home ground, crowd sports, most of the players were in the form and in good touch. we to talk This was the moment. I Amit Dubekhan ji, hard luck uh, guys, but I think Rizwan played slow. Yeah. Babar Azam ne bhi exactly in the press conference. Ka, <coughs> turning point of the match, Hasan Ali's catch. So, brother, see this. Babar Azam also said this.

आ, दिल का हसन अली ने तोड़ दिया हसन अली को रेस्ट दो यार ये मोमेंट क्या छोड़ दिया ड्रॉप कर दिया डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं क्या फीलिंग बैड फॉर बाबर एंड स्माइलिंग फेस और रिजवान शुक्ला जी बात ठीक है रिजवान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अभी एक हजार उसके रन इंटरनेशनल टी ट्वेंटी में एक साल में किसी ने नहीं किया आज तक उसके इस मैच में कंप्लीट हुए यादगार मैच होता तो अच्छी बात थी बाकी रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं अविनाश

परवीन बर्दवाज कर भाई साहब अब बस पाकिस्तान में सीरीज होनी चाहिए लव फ्रॉम इंडिया शाइन तो खतरनाक बॉलर निकला यार हसन अली बेचारा उसको आते ही मारने लग गए जी प्रकाश अग्रवाल जी मोहन भाई योर प्रोडिक्शन फॉर द नेक्स्ट टी वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया यार टू लेट टू अभी बहुत टाइम है

अच्छा जी इसके अलावा मैसेजेस हैं आ, अबारूज रवि किरण है जी पाकिस्तान टीम प्लेड रियली वेल, वेल इवन ऑन दिस दुबई विकेट रियली वेल प्लेड टॉस इज आल्सो क्रूशियल फैक्टर इन दुबई स्टेडियम नाइट मैचेस जी क्रिकेट लाइव है विनोद कुमार कहें जी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होनी चाहिए सब दास कहें जी फीलिंग बैड फॉर मैथ्यू हेडन ही बिलीव दैट ही द स्क्वाड वुड विन पूनम मलिक हैं Uh, जी हम भी ये सोच रहे थे कि जीत जाएगा पाकिस्तान एंड पे तो बहुत ही सिक्योर भी टाइट किए थोड़े से लेकिन उन्होंने फिर एंड पे सारे सिक्योर टाइट कर दिए प्रणम पटेल कन जी इट इज ऑलवेज डिलाइटफुल टू वॉच योर वीडियोस बट यू ऑलवेज गिव अन बाइस्ट क्रिकेट नॉलेज टेक माय नेम लव फ्रॉम इंडिया टू मोसन भाईजान इजवान बाजी जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी आपका uh,

आप देखो भाई शराफ देखी तुमने भेजा सुपर पढ़ा भी नहीं गया तो अच्छे भेजोगे तो फिर पढ़ा जाएगा वरना नहीं पढ़ा जाएगा परकाश है जी, और, इनकी तबीयत खराब है फिर मैं क्या कर सकता हूँ नाम अच्छा आपका फजूल लिखी है 2022 में इंडिया पाकिस्तान जी फाइनल होगा खान कह रहे हैं जी अल्लाह जी

थैंक यू वेरी मच ब्रदर लेकिन देखो, देखे देखे माजरत के साथ जो लोग तेज भाग रहे हैं अभी हम बांग्लादेश कल कल चले जाएंगे कल रात की फ्लाइट से बाबर और शोब जो हैं वो बाद में कुछ दिन बाद 16 को मेरे ख्याल ज्वाइन करेंगे देखें दिस टूर्नामेंट वाज गुड लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं एक तो हमारा पूल रिलेटिवली आसान आ गया हाँ। दूसरा हमने इंडिया को पहले ही मैच में हराया मोमेंटम हमारी तरफ आ गया जहां हमारा तगड़ा मैच मैच आया हम वो हार गए। जो भाई लोग बार-बार कह रहे हैं जी डोंट जब वर्ल्ड कप छूटते हैं जब छूटते हैं तो फिर, तो तो फिर आपके हाथ आप में छुन छुने आ जाते हैं तो जितेंद्र जी थैंक यू वेरी मच आपका मैसेज करने का और पाकिस्तान आई होप यहाँ से अच्छी टीम बनाएगा विश्वास सेठ आज सही महाराज ऑस्ट्रेलिया ने जी माइक हसी वाली वो काम याद आ गया जी हार्ट ब्रोकन है जी, जी।, जी खैर क्रिकेट सब सब, ठीक 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 सब सब है दोस्तों से मैं फिर कहूंगा, जो भी है, खाना खिला दे यार इनको <coughs> कि, गुप्ता आई शुभ मलिकुडर शुएब मलिक नहीं खेल सकता ये फैक्ट है उसका आप उठा के देखने। बाकी आसिफ अली तो तो अच्छा फिर भी देखें वाज नॉट बैड आप देखें ना कि आखिरी पांच ओवरों में पैंसठ बासठ रन जो है कम तो नहीं है और आपके जब दूसरी टीम के पांच आउट हुए हैं उनको ये भी फेर होकर एक विकेट और गिरेगी तो आगे से टेल एंडर्स आ जाएंगे तो इस, इस लेवल पे आप ले जाएं मैच को, कि उनकी पांच आउट है उनको पांच ओवरों में बासठ पैंसठ जितना भी चाहिए था और विकेट उनकी आखिरी तो ओर... को ही नहीं मानता कैच छूट जाते हैं कोई भा, कैच नहीं छूट जाते हैं कैच छूट जाते हैं तो मैच छूट जाते हैं मैचेस कभी सुना आपने ड्रॉप कैचेस विन मैचेस कभी सुना कमाल है सही बात है डॉक्टर नमाज ने 2019 वर्ल्ड कप के कितना के टाइम कहा था कि इंडिया इज ड्यू टू तो वन डे आउट ऑफ द लक एंड दिस वाज पाकिस्तानस अगेन टॉस इज ओनली इंपोर्टेंट यानी टॉस का आपको 10 15% कहा था इतना भी फर्क नहीं आज बड़ा माजरत के साथ ड्यू नहीं थी उस तरह आ, रेन बर गजर के जी, अगर स्मिथ एंड वार्नर कैच करते तो पाकिस्तान का इतना स्कोर ना होता जी ठीक है जी ठाकुर पाकिस्तान तो गियो जी ठीक है खुशी हुई है तो माई वाइफ वॉज क्राइंग हार्ड विद यू गाइज इन द डोर थैंक यू जी आपकी वाइफ का भी शुक्रिया आपका भी शुक्रिया आ, नहीं रोने की कोई जरूरत नहीं क्रिकेट है आ, आज, क्रिकेट ठीक है आई एम फीलिंग तो आती है नो no डाउट आती है बंदा बुरा फील करता है ये वो इमोशनल भी होता है टीम आपकी जाहिर है आप चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करे लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कोई जरूरत नहीं है रोने की अच्छी क्रिकेट हुई हम अच्छा खेल हैं जी वी प्लेड वेल a bad night in the office and that's all koi baat nahin. jatin tarwa hard luck to pakistan team played uh, very well throughout i guess bad bowling at crucial moments love to pakistan team babar and rizwan great innings thank you ji ah they both babar se zyada fakhir ki innings achhi thi aur rizwan ki ha lekin babar ne bhi apna role play kiya koi shak nahi ha upar se acha start wo bhi de gaya score theek tha yaar ab score was very good

हम सब मिलके ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे आ, कुछ भी हो न्यूजीलैंड नहीं जीतना चाहिए न्यूजीलैंड जीतता भाई घर को सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल है यार ऑस्ट्रेलिया दे आर टू टू गुड बी क्रिकेट लाइव है जी और आ, अगर हरप्रीत सिंह है और आ,

और मैसेज आए तो फिर नहीं मिलनी बार-बार तूसी याद करांदे हो ओ हसन अली कैश ऑफसाइड का बड़ा अच्छा इन्होंने कहा गया ऑफसाइड पे उसे काम करना चाहिए रिजवान को ये बात सही कह रहे हैं जी ऑफसाइड पे बॉन्सेस मैम उस पे वर्क कर लेंगी अह ठीक है आप सही कह रहे हैं थोड़ा चारों तरफ शॉट्स खेलने चाहिए अह असिब रहमान महमूद कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेड वेल ह्यूज सेलिब्रेशन बाय ऑस्ट्रेलिया ऑजिस इन सिडनी बनता है भाई अब तो तो सुबह होने वाली होगी उठ के की, की सेलिब्रेशन करनी है उन्होंने जो घटिया मैसेज करेगा आप बेशक सुपर चैट भी भेजे उसका मैसेज नहीं पड़ा जाएगा तो लॉस इज योर योर्स ये आपको हम बता दें पहले आ,

यही बड़ा था लेकिन आज का मैच हारना नहीं चाहिए मृतपाल सिंह भी कह रहे हैं जी हमारे नई टीम ही जीतेगी इस दफा जाहिर है आदिल शाह है और ऑस्ट्रेलिया कोई से भी जीते फर्स्ट टाइम बनेंगे चैंपियन

और 2011 में वैसे इंडिया ने इनको पकड़ लिया था क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने भी ग्रुप स्टेज में इनको हराया था इंदर कह रहे हैं जी स्टोनिश की गर्लफ्रेंड ने बॉलिंग अच्छी की जी आज चार ओवर में 22 रंस ये है आजमपा यार कमाल है इज दिस क्या यार व्हाट इज दिस वो दोनों होते साथ-साथ में व्हाट इज दिस अच्छा होता है ना, मतलब घूमते फिर रहा अच्छा के उनकी ऐसे, था तो के तो चला गया तो, तो थोड़ा अभी मतलब... जो कर रहे हैं मुस्कुराते चेहरों के साथ उनको देखिए आप ऐ... उनको देखिए अभी तो थोड़ी देर में आप और भी ड्रामे देखेंगे हम लोग तो भाईजान इसी तरह बात करते हमने टीम को बुरा नहीं कहा सिलेक्टर को चेयरमैन को कोचिस को को स्टाफ सबको अच्छा हैं। अच्छा हसन नहीं खेले इमाद भी अच्छा तो पे, पे मतलब तो <laughs> किस्म की खुशी तो तभी होती है जब अपनी टीम जीते ठीक है दूसरों के हारने पे नाच लो हंस लो गालो तो वो वाला हिसाब बराबर नहीं होता कि यार चलो आप अब ये तो ऐसे ही है तो बात बुरी है दूसरे की हार को सेलिब्रेट करना कोई कमाल नहीं आ, है आ, दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करें इट शोज देयर मेंटालिटी एंड एनी छोड़ो मैच खैर हार गया पाकिस्तान बीच में आपके मैसेज भी काफी ज्यादा लिए हमने तो अब आपसे ज्यादा देने का आ गया टाइम शदेव सरोज आर्या जी हैं जी शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी आपका देखो बाकी बात यह कि यहाँ पे जिन लोगों ने बोला था मैच फिक्स और जी शेख रशीद ने बोला था जी पाकिस्तान जब इंडिया से जीता जी इस्लाम की फतह हमने यहाँ पे बोला कि रबिश बात है उसकी फजूल बात है जिसकी कोई मंतिक नहीं है कोई लॉजिक नहीं है और जिन्होंने उनको भी ठीक ठाक तक, तगड़ा किस्म का जवाब दिया था ठीक है ये होती है रैशनल अप्रोच अब अगर पाकिस्तान अगर हारा है आज तो मतलब वहां पर आप नाच रहे हो गा रहे हो मतलब कमाल ही नहीं हो गया वैसे भेजो Uh, अच्छा कैप्टन प्रेशर में नहीं यार बॉलिंग बुरी हुई कप्तानी उसकी ठीक थी, थी यार बाबर किया है है उसको कुछ कहना गलत प्लेयर्स को भी आज डांटा भी है बताया भी है इधर खड़े हो उधर खड़े हो उधर वो सारा जो कर सकता था उसने किया विद द बैट भी उसने किया कप्तानी भी उसकी अच्छी रही है इट वॉज वर्स्ट डे फॉर हसन अली एंड नाइट टू फॉर गैट हाँ और uh, हारिस रऊफ भी जिस तरह की उससे ओवर उसने निकाले इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ वो वैसे भी नहीं निकाल पाया तो ये बीच में कुछ ऑफ डे ज्यादा लोगों के हो गए एक आधे का होता चलो हसन अली का जैसे हेजलवुड का वहां पे उनचास उन दिन निकल गया लेकिन बाकी उन्होंने कवर अप कर लिया तो यहाँ पे हसन अली का भी बुरा गया रऊफ का भी माद भी वो अफीजे कवर कराने आया दो ठप्पों में गेंद वो देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है बंदा छोड़ देता है ऐसी बॉल को आ, आ, <laughs> आ, माजी में हमने देखा ऐसा आप देखें विवियन रिचर्ड साहब ने

सो so, हम कंधार करेंगे पाकिस्तान डेड मिस्टेक बाय प्लेइंग ओ भाईजान पाकिस्तान ने शेड्यूल नहीं बनाया था ट्राई टू अंडरस्टैंड आईसीसी ने शेड्यूल दिया था अनियो जी ओवरऑल इट्स ओके हार जीत होती रहती है लेकिन पाकिस्तान आज भी लड़की हारा है आप ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड मैच था अगर आप स्कोर कार्ड पे देखेंगे तो नजर आएगा जी एक पहले चेज हो गया बट वी नो इट वॉज कभी पलड़ा उधर कभी उधर कभी विन प्रोडिक्टर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है और उनके भी सांस सूखे हुए थे जब पांच आउट हो गए थे और आ... एक दफा सिर्फ प्रिडिक्टर उनके हक में हुआ फिफ्टी वन फोर्टी नाइन वरना वन थ्री इस प्रिडिक्टर जरा देना ना कोई डंडा जी पाकिस्तान प्लेड रिज़मो आगे दिल बनाया हुआ एक मैच लगा फाइनल या न्यूजीलैंड जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा जो भी टीम दैट वुड चैंपियन फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम टी टी20 इंटरनेशनल ठीक है भैया तो अपना ख्याल रखिये याद रखिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए लव यू ऑल दिल से थोड़ा सा हमें सपोर्ट नहीं किया उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमारा फन किया उनका भी शुक्रिया कोई बात नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे हम अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे बिल्कुल जे पंजाबियां नेराउंड वर्ल्ड जिन्होंने सपोर्ट किया है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸਲੂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਰ ਸੋ ਅਮੇজিং ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਐ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮੋਸਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ठीक है कुछ देखो हर कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने किसी लिया, लाल, अच्छा किसी, लग दी, किसी और भी लग जा रखे आप में ये रहे। जो मैं करने लगा हूं अभी ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है फॉर द यूनिटी फॉर द ब्रदरहुड फॉर द स्पोर्ट यू ऑल गिव टू पाकिस्तान टीम जस्ट लाइक ऑलवेज सपोर्ट योर टीम गुड नाइट अपने चैनल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे रात को क्या बोले क्या बोले <laughs> okay साहब आपका भी शुक्रिया गुड नाइट ओके जी अपना ख्याल रखिए फिर मुलाकात होगी आप किसे ठीक है जी लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू बाय